देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार, मैं रिया। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के वकालत खाना के पास गुप्त सूचना के आधार पर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस को बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है। वहीं पुलिस की तत्परता से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी पुलिसकर्मी की पहचान अभिषेक कुमार और मोहम्मदपुर थाना के चौकीदार छोटे लाल राय के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या मामले में फरार एक आरोपी गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार रोड स्थित वकालत खाना के पास पहुंचा है। इसी बीच पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पुलिस उसे लेकर थाना जाने लगी, तभी बदमाश ने अपने पॉकेट से चाकू निकालकर मोहम्मदपुर थाना के चौकीदार छोटे लाल राय के पेट पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और मौके का फायदा उठाकर फरार होने लगा। तभी सामने से सिपाही अभिषेक और अन्य पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सिपाही अभिषेक के हाथ में चाकू लग गई, जिससे वह जख्मी हो गया और फरार होने लगा। तभी अन्य पुलिस कर्मी में तत्परता दिखाते हुए मोनिया चौक से उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों जख्मियों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है। घटना कि हम लोग गए थे एक मर्डर केस का अपराधी को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के हम लोग सौंप दिया कोर्ट को, तो पता ना अचानक से उसके पास हथियार कहीं से आया, चाकू हमारे एक जवान को मारा है पेट में चाकू, उसके बाद फिर वो भागने लगा। हम लोग पीछे थे, फिर उसे रोकने के चक्कर में उसे लात मारे हैं, मारते ही चाकू हाथ में मारते हैं। कितने लोगों को चाकू मारा है? लगभग दो आदमी को चाकू मारा है, अभी इतना हम नहीं बता सकते हैं। कौन अपराधी था इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, बस मर्डर केस में था। कहाँ घटना हुई है? घटना हुआ है मोनिया चौक के जस्ट आगे ज्यादा पुरानी चौक कोर्ट के गेट के पास। बाइक से था? बाइक से नहीं था, वो पैदल था, उसको पकड़ के दिया गया, फिर दोबारा वो भागा है ना, उसके बाद वो कैसे चाकू मारा। इस मामले में हम लोगों ने अभी जाँच शुरू कर दिया है, जैसे ही इसमें कुछ नई बात निकल के आएगी आप लोगों। पहले से उसके ऊपर बताया जा रहा है बहुत सारे केस दर्ज थे, अब इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं निकलेगी तो सूचित करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? अभी जो जिस व्यक्ति ने चाकू चलाया था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी है। 21 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा ऐतिहासिक बनाने को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। तेजस्वी के स्वागत को लेकर राजद के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। तेजस्वी का कार्यक्रम गोपालगंज के गांधी कॉलेज स्थित मैदान में आयोजित है, जहां वे 3 बजे अपराह्न में सभा को संबोधित करेंगे। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह तथा प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने सभा स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की सभा ऐतिहासिक होगी, आज बिहार का युवा वर्ग तेजस्वी यादव की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। श्री सिंह ने कहा कि बार बार पलटी मार कर नीतीश कुमार ने पूरे देश में बिहार की छवि को धूमिल करने का काम किया है, आने वाला लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार उनकी पार्टी का खात्मा हो जाएगा। मौके पर राजद के जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे, सुनील कुमार बारी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता, प्रदीप देव, विनय दुबे, छात्र राजद के जिला प्रभारी बिट्टू चौरसिया आदि मौजूद थे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश से बंटी बबली शराब लेकर आ रहे एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यह गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला फिरोज नट बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके पास से 320 पीस बंटी बबली शराब जब्त किया और इसे आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहा था, पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है और इसको लेकर प्रशासनिक महकमे में हलचल भी तेज हो चुकी है। चुनाव को ध्यान में रखकर ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियां में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में चूंकि गोपालगंज और सिवान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ऐसे में कई अपराधी एक दूसरे प्रदेश में जाकर छुप जाते हैं और आपराधिक गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं।
जिनको लेकर इन पर नियंत्रण करने के पुलिस का एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित होना अति आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखकर गोपालगंज, सिवान तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक साथ संयुक्त बैठक उत्तर प्रदेश में ही आयोजित हुआ, जहां गोपालगंज से भी कई पुलिस पदाधिकारी उसमें शामिल हुए। और इन सभी पुलिस पदाधिकारी को लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई और एक दूसरे से तालमेल बैठाकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक निर्णय भी लिया गया। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बघौज बाजार में स्थित राम जानकी शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के तीसरे दिन वृंदावन से आई सुप्रसिद्ध राम कथा वाचिका शिवा किशोरी जी के द्वारा अपने प्रवचन के दौरान भगवान शंकर और मां सती की महिमा का मंडन का विस्तार से बखान किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही आई वृद्धा पेंशन से भगवान के स्वरूप की झांकी दिखाने वाले कलाकारों के द्वारा भगवान शंकर और मां सती के बारात और विवाह कार्यक्रम की झांकी प्रस्तुत की गई। जब यह झांकी प्रस्तुत किया गया तो वहां उपस्थित क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी झूम उठे। प्रवचन पंडाल में बैठे इस यज्ञ के मुख्य जजमान और मंदिर के संरक्षक रजनी देवी, हरिप्रकाश श्रीवास्तव, राम प्रकाश श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, गोपालगंज के सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित योगेंद्र तिवारी लालजी सायक के प्रमुख स्वागतकर्ता राजा हुसैन सहित प्रवचन पंडाल में बैठे सभी लोग झूम उठे। प्रतिदिन चल रहे इस भागवत कथा में काफी श्रद्धालु आ रहे हैं और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान मेला में श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनका बच्चे भी पूरा लुप्त उठा रहे हैं। खेल विभाग बिहार, पटना बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन गोपालगंज के संयुक्त तत्वाधान में गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत कुश्ती बालक बालिका का चयन ट्रायल जिला खेल पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार के दिशा निर्देशन में शहर के मिंज स्टेडियम गोपालगंज में आयोजित कराया गया। इस चयन में ट्रायल में कुल 65 प्रतिभागियों बालक बालिका ने भाग लिया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अलग अलग थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनकी गाड़ी और शराब को भी जब्त किया गया है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर अलग अलग मामलों में कुल 97 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 63 लोग विभिन्न मामलों में पकड़े गए तो वहीं 34 लोग ग्राम अपराध के पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए। इनमें मारपीट, हत्या का मामला, चोरी के मामले, शराब तस्करी के मामले और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इन सभी लोगों पर पुलिस विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस ने शराब के विशेष छापेमारी अभियान के तहत थावे मछली बाजार के पास से देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव के मनोज कुमार गुप्ता बताया जाता है।
उसके पास मौजूद झोला की तलाशी लेने पर 15 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर मंगलवार को न्याय में प्रस्तुत कर दिया गया। मौके पर SI धीरेंद्र कुमार आदि पुलिस बल मौजूद थे। थावे थाना क्षेत्र के बड़े हाथा गांव में घर का ताला तोड़कर आभूषण सहित नगद 15,000 रुपए की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई। यह घटना 11 फरवरी की बताई जा रही है, जिसको लेकर बड़े हाथा गांव के अरविंद कुमार सिंह ने थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि 11 फरवरी को मेरे बड़े भाई अशोक सिंह के घर का ताला तोड़कर सोने का सीकड़ी, नथिया, अंगूठी, मांगटीका व चांदी के पायल सहित नगद 15,000 रुपए का अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसको लेकर अरविंद कुमार सिंह ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर चोरों की घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। विजयपुर प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में आगामी 21 व 22 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। बताया जाता है कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आनंद युवा क्लब विजयपुर प्रतिवर्ष बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहा है। आनंद युवा क्लब व सेंट जोसेफ स्कूल के द्वारा आगामी 21 व 22 फरवरी को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन विजयपुर के धनौती मोड़ के पास स्थित प्लेग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। विजयपुर नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक अमित कुमार एवं टीम गोलू यादव जुगेश कुमार ने बताया कि युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा युवाओं में विकास एवं क्षमता वृद्धि के लिए प्रखंड स्तरीय खेल कूद का आयोजन किया जाता है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।